नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर एक गद्यांश से प्रश्न कैसे निकालते हैं, उसके उत्तर कैसे छांटते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये एक अवतरण है, मैं इसको पहले पढ़ूंगी। पढ़ने के बाद जो नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम इस गद्यांश में से छांटेंगे। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो भी प्रश्न होता है, प्रश्न बाहर का होता है लेकिन उत्तर उसी गद्यांश में से हमें लिखना होता है, आंसर उसी में से होता है। चलिए इसको हम मैं रीड करती हूँ। सबसे पहले, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पे लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल पर एक चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रखता, पेड़ के दूधिया रस को मैं एक प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीजें बनाते। बेटा, ये गद्यांश था। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका हम उत्तर देखते हैं क्या क्या है। चलिए, पहला आएगा, घर में कोई बीमार होता है तो लोग क्या करते हैं। देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। इसका उत्तर आपका ये हो गया। तो अब इस उत्तर को मैं यहां पर लिख दूंगी। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनी है नी या दरवाजे पर लटका देते हैं। देखिए बेटा, ये ऊपर से मैंने ये आंसर यहां से यहां तक का लिया। देखिए बेटा, ये मैंने इसका आंसर, देखिए ये इसका ये आंसर आ गया। घर में कोई बीमार होता है तो लोग क्या करते हैं, घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। देखिए, ये यही आंसर मैंने इसका लिख दिया है, आपको भी इसी तरीके से करना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर लेखक के पास नीम का पेड़ होता तो वह उसका क्या करता। अब हम इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे पूरा। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं टहनियां बेच सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मैं, अगर लेखक कह रहा है कि मेरे पास अगर नीम का पेड़ होगा तो उसकी टहनियां बेच दूंगा, और उसकी पेड़ की छांव में वह पेड़ मुझे को छाया भी देगा। तो अब हम इसको, आप मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं टहनियां उसकी बेच सकता हूं। चलिए, अब ये वाला हम यहां पर लिख देते हैं इसको, ठीक है। मेरे
पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूं। ये देखिए बेटा, ये इस दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया, ये हमने यहां लिखा हुआ था। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, लेखक दूध या रस से पकाकर क्या बना लेता है। आप देखिए यहां पर कहां लिखा हुआ है, हम आगे पढ़ते हैं। रबड़ का पेड़ होता तो मैं चाकू निकाल कर पेड़ की छाल का चीरा लगा देता, ये तो नहीं हमारा आंसर आया। फिर और नीचे आगे बढ़े हम, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर रबड़ बना लेता। अब हमारा प्रश्न देखो क्या है, लेखक दूध या रस से पकाकर क्या बना लेता, तो उत्तर आया रबड़। क्या आया, ये देखिए, रस को पकाकर रबड़ बना लेता। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हमें बेटा यहां देखो ये मिल गया। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसको हम यहां पर लिख देंगे, ये देखिए, रस को पूरा उत्तर लिखेंगे हम, रस को से नहीं शुरू करेंगे, इसे हम लिखेंगे यहां से, लेखक दूधी या रस को रस को पका कर रबड़ रबड़ बना लेता। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न क्या है, रबड़ से लोग क्या क्या बनाते हैं। देखिए ये हमारा हो गया, रस को पकाकर रबड़ बना लेता। अब वो आगे क्या कह रहा है, रबड़ मैं बेच देता और रबड़ से लोग गुब्बारे टायर तरह तरह की चीजें बनाते। हमारा आखिरी प्रश्न यही है, रबड़ से लोग क्या क्या बनाते। तो हमारा उत्तर बेटा हमें यहां मिल गया, देखो, रबड़ से लोग टायर, रबड़ से लोग टायर गुब्बारे और तरह तरह की चीजें बनाते हैं। तो हम इसको यहां लिख देंगे, रबड़ से लोग गुब्बारे गुब्बारे टायर गुब्बारे टायर और तरह तरह की और तरह की चीजें बना ये देखिए, ये हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर हमें इस पैराग्राफ में से मिल गए। आपको भी इसी तरीके से कोई भी पैराग्राफ हो उसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को समझना है और उन्हें ऊपर उस उत्तर में ढूंढना है।
अगर आप कोई हम अगर उससे पूछें कि विलोम शब्द दो, जैसे बुरा। चलिए एक नया प्रश्न हम इसके संग लिखते हैंगे, प्रश्न पांचवा। बुरा का विलोम शब्द क्या है? अब देखिए, अब ऊपर छाटिए कहीं पे आपको दिख रहा है नीम का पेड़, नीम का भी अच्छा है, तो बुरा का विलोम क्या होता है? अच्छा। बस हमें उत्तर यहां से उठाकर लिख देना है और कुछ नहीं है। उत्तर हो गया इसका अच्छा। उत्तर हो गया इसका अच्छा। बस ये आपका, इस तरीके से आप अपना गद्यांश को कर सकते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। और